दावा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरन इस्तीफा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हमारी डिमांड है। आज हमारी जीत है अल्हम्दुलिल्लाह, आज इमरान खान की जीत है, आज का दिन इमरान खान के नाम है। अब शिबली फराज साहब गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान के आवाम को और पाकिस्तानी आवाम के लीडर इमरान खान को दिली मुबारक। ये आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन होगा। हम ये समझते हैं कि अभी हमें आधा मैंडेट मिला है, रिजर्व सीट्स का आधा मिला है, अभी हमारी जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। हमारी जद्दोजहद तब ख़त्म होगी जब हम जो 8 फरवरी को फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए गए लोग, वो वाले सीटें भी हमें वापस नहीं मिलेंगी। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन इस तरफ मैं ये अदालत उज़्मा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बावजूद नामसाइद हालात के इंसाफ का अलम बरकरार रखा और एक ऐसा फैसला दिया जिसके पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान के जो एक तनाव फैला हुआ है, उन सारी कैफियतों से हमें एक ऐसा माहौल मिलेगा जिससे कि एक हिस्सा, जिस तरह मैंने कहा हमारी सिर्फ रिजर्व सीट्स तो मिल गई हमें, लेकिन अभी हमारा जो दूसरा वो है मरहला है, वो है कि हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों का जो लाए गए हैं, हमें उसका असली मैंडेट वो वापस मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थोड़ा सा खामोश होते हैं तो बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज